Hi everyone, this is your host Saurav and welcome again to our channel Explore Your Property. So today we are going to discuss about should you buy a flat in Noida Extension or not. So guys, अगर आप पूरे दिल्ली NCR में कहीं भी फ्लैट लेना चाहते हैं, या तो आप एंड यूज़र हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं, कोई भी अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं या कोई कॉमर्शियल स्पेस लेना चाहते हैं, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो Before buying any property. उसके पीछे बहुत एक बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि इस लोकेशन की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल डू सब्सक्राइब अवर चैनल. सो गाइस, इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोएडा एक्सटेंशन क्या है, इसको नोएडा एक्सटेंशन क्यों बोला जाता है, ये कितना बड़ा है, कहाँ लोकेटेड है. सेकेंडली हम बात करेंगे कि इसकी लिव एबिलिटी क्या है, उसका इंडेक्स क्या है. एंड थर्ड पार्ट रहेगा गाइस, फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ कितनी हो सकती है नोएडा एक्सटेंशन में. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज अबाउट नोएडा एक्सटेंशन. सो फ्रेंड्स, जो नाम है नोएडा एक्सटेंशन, ये कोई इसका नॉमन क्रिएचर अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया गया है. दिस इज़ अ नेम गिवन टू दिस लोकेशन बाय द बिल्डर्स ऑफ नोएडा, ताकि क्लाइंट्स को ये लगे कि जो ये पार्ट है ये नोएडा का ही पार्ट है और नोएडा को एक्सटेंड किया है. लेकिन असल में जो इस लोकेशन का नाम है वो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट. ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन लाया करता है और इसको ग्रीनो वेस्ट भी कहा जाता है. अगर हम बात करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो रेडियस है नोएडा एक्सटेंशन का दैट इज़ 10 किलोमीटर्स, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है नोएडा एक्सटेंशन का दैट इज़ फ्रॉम गौर चौक और यू कैन से किसान चौक एंड इट गोज़ अप टू नॉलेज पार्क 5. नोएडा एक्सटेंशन में जो सेक्टर्स लाई करते हैं दैट आर सेक्टर 1, 2, 3, 14, 16 एंड टेक जोन. सो फ्रेंड्स, जितने भी प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं नोएडा में उन सबके ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट लाए करते हैं नोएडा एक्सटेंशन में. फॉर एग्जाम्पल गॉड्स, एस, काउंटी ग्रुप एंड ऑल अदर बिग बिल्डर्स हैव देयर प्रेजेंस इन नोएडा एक्सटेंशन. सो गाइज, नाउ लेट स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ लिवेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन. अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या एमिनिटीज़ और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, हम लिवेबिलिटी एस्पेक्ट में मेजरली तीन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल बी योर कनेक्टिविटी, सेकंड अफोर्डेबिलिटी एंड थर्ड विल बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी. अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी देखें, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये नोएडा एक्सटेंशन जो है वो दिल्ली NCR का पार्ट है. सो दिल्ली की इससे बहुत अच्छी एक कनेक्टिविटी है. आप दो तरीके से नोएडा एक्सटेंशन पहुंच सकते हैं फ्रॉम दिल्ली, जो कि आपका है फ्रॉम NH24, जिसको मेरठ एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, जो 14 लेन वाइड है. वहां से आपको साउथ दिल्ली से नोएडा एक्सटेंशन पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं. एंड योर सेकेंड कनेक्टिविटी फ्रॉम नोएडा, परथला चौक जो है उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन शुरू हो जाता है, और परथला चौक से अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की दूरी देखें तो दैट इज़ 2 to 3 किलोमीटर्स. सो नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन पहुंचने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगती है. अगर आप फरीदाबाद से इस जगह की कनेक्टिविटी देखें या गाज़ियाबाद से, तो FNG एक हाईवे अभी तैयार हो रहा है जो डायसेक्ट करता है नोएडा एक्सटेंशन और सेंट्रल नोएडा को, और FNG लेते हुए आप नोएडा एक्सटेंशन में सेंट्रल नोएडा से 2 से 3 मिनट में पहुँच जाते हैं. और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उससे भी नोएडा एक्सटेंशन की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी. परी चौक के थ्रू एयरपोर्ट से फ्यूचर में आप यहां पे पहुंचेंगे. एक इंटरनल रोड जो है वो NH24 से एयरपोर्ट को कनेक्ट की जाएगी, जो नोएडा एक्सटेंशन के थ्रू ही जाएगी. सो गाइज, आफ्टर कनेक्टिविटी अब बात करते हैं इसी पार्ट में सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है अफोर्डेबिलिटी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ होम बायर. अगर मैं बात करूँ आपको ऑप्शंस की, तो आपको नोएडा एक्सटेंशन में दोनों ही टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल. सो फ्रेंड्स, आपको नोएडा एक्सटेंशन में रेसिडेंशियल में ऑलमोस्ट सारे टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं. जो आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, पेंट हाउस, डुप्लेक्स, विलाज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं.
अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो आपको प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। और प्लॉट्स की यहाँ पे दो कैटेगरी हैं बेसिकली, एक होते हैं किसान कोटे के प्लॉट्स, दैट इज 6% प्लॉट्स, एंड सेकेंड इज अथॉरिटी प्लॉट्स और जनरल कोटा प्लॉट्स। और फ्रेंड्स, अगर हम कॉमर्शियल में ऑप्शंस की बात करें तो आपको दो तीन टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट योर रिटेल शॉप्स, सेकेंड इज़ योर ऑफिस स्पेस। अब हम डिस्कस करते हैं जो जो मैंने आपको भी प्रोडक्ट बताए उन सब का एक टेंटेटिव और यू कैन से एवरेज प्राइस। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट 2 BHK तो नोएडा एक्सटेंशन में 2 BHK शुरू हो जाता है समवेयर अराउंड 45 lakhs एंड गोज अप टू 50 lakhs। उसके बाद अगर हम बात करें 3 BHK की तो दैट विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 65 lakhs एंड गोज अप टू 70 lakhs। अगर हम विलास की बात करें तो 1.2 crore से आपको यहाँ पे एक अच्छा विला मिल जाता है। अगर हम प्लॉट्स की बात करें किसान कोटा तो उसका जो प्राइस है वो 60,000 रुपये मीटर से शुरू हो जाता है, और अथॉरिटी प्लॉट्स का जो प्राइस है वो 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कॉमर्शियल ऑप्शंस की तो उसमें ऑफिस स्पेस जो है वो अराउंड 30 lakh से आपको सबसे छोटा साइज़ मिल जाता है। एंड सेम अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल शॉप भी आपको 40-45 lakh रुपये में एक छोटा बिलो एवरेज साइज। सो फ्रेंड्स, वीडियो के सेकंड पार्ट का थर्ड टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नोएडा एक्सटेंशन। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर कॉमर्शियल मॉल्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्कूल्स के बारे में, देन कॉलेजेस के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में एंड IT पार्क्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉल्स के बारे में या रिटेल हब्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको टोटल 18 मॉल मिलते हैं, जिसमें से 6 से 7 जो मॉल हैं वो रेडी टू मूव हैं, उनकी पोजीशन हो चुकी है, वो ऑपरेशनल हैं, और बाकी जो 8-10 मॉल हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और 2 से 3 साल में ये सारे के सारे मॉल्स जो हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे। अभी भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आइदर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट और योर डेली नीड्स, वो सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स नोएडा एक्सटेंशन में ही फुलफ़िल हो जाएंगी। आपको कहीं भी बाहर यहाँ से नोएडा या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का जो सेकंड सब टॉपिक है दैट इज़ स्कूल्स। नोएडा एक्सटेंशन में आपको बहुत सारे स्कूल्स मिलते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मोर देन 30 स्कूल्स मिलते हैं आपको विद इन अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। जो कुछ अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो हैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल, लोटस वैली स्कूल, SKS वर्ल्ड स्कूल एंड मैनी अदर। अब बात करते हैं थर्ड सब टॉपिक पे फ्रेंड्स, दैट इज़ कॉलेजेस। जैसे कि मैंने बताया नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा में लाई करता है, और ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। चाहे आप बात कर लीजिए IIT रुड़की के कैंपस की, या फिर GBU की, या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, सारे के सारे कैंपसेस विद इन रीच हैं, 10-15 मिनट्स की ड्राइव पे हैं नोएडा। सो गाइस, फोर्थ सब टॉपिक इन दिस टॉपिक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज हॉस्पिटल्स। आपको 5 से 7 हॉस्पिटल जो हैं इस लोकेलिटी में मिल जाते हैं, एंड सम प्रोमिनेंट नेम्स आर यथार्थ हॉस्पिटल एंड त्रिपाठी हॉस्पिटल। अब बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट सब टॉपिक पे, दैट इज़ IT पार्क्स एंड जॉब एवेन्यूज नियर नोएडा एक्सटेंशन। तो 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आप ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 2 और 3 जा सकते हैं, जहाँ पे ये पूरा जो है वो कॉमर्शियल हब है, बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है। सेकंड, IT पार्क एंड ऑफिसेज की अगर हम बात करें तो पूरे नोएडा में ये फैले हुए हैं IT पार्क्स एंड ऑफिसेज। तो सेक्टर 57, 58, 59, 60, 62, 63 ये सारे के सारे आपको विद इन 20 मिनट की रीच में पड़ते हैं। सो इनमें आपको जो कंपनीज मिलती हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बिग फोर की भी कंपनीज इसमें आपको मिलती हैं, लाइक जेनपेक्ट आपको मिलती है, HCL, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, बार्कलेस, ये सारी ब्रांड्स आपको मिल। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑफ नोएडा एक्सटेंशन की। जो ये कंसिस्ट होता है लिवेबिलिटी इंडेक्स, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग परसेंटेज होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एजुकेशन 10%, कल्चर एंड एनवायरमेंट 25%, हेल्थ केयर 20% एंड स्टेबिलिटी जो है वो 25%। और ये जो सारा रेशो है ये आउट ऑफ 10 होता है। सो नोएडा एक्सटेंशन का जो इंडेक्स है दैट इज़ 8.5, विच इज़ वेरी गुड आउट ऑफ 10।
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के आखिरी पार्ट में, जो कि है फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन नोएडा एक्सटेंशन। और अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या उसमें एप्रिसिएशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे एक जो बड़ी बात है वो मेट्रो कनेक्टिविटी की है नोएडा एक्सटेंशन में। और बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही थी, लेकिन अब ये फाइनलाइज हो गया है बाय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। और सेक्टर 71 से लेके नॉलेज पार्क 5 तक नोएडा मेट्रो का सेकंड फेज जो है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो कि रहेगा फ्यूचर में आपका रेंटल इनकम क्या रहेगा, अभी इस लोकेशन पे रेंटल इनकम काफ़ी कम है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं और उतने ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं हैं। लेकिन कॉमर्शियल लाइक्स गोल्डन आई एंड सुपरटेक ग्रुप का ग्रैंडथम, ये दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 40-40, 50-50 एकड़ में इनकी डेवलपमेंट हो रही है। सो एक बार ये फुली फंक्शनल हो जाएंगे तो आपकी जो रेंटल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे फॉर द जॉब्स इन दिस कॉमर्शियल। एक जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स इन फ्यूचर, दैट विल बी योर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। सो एयरपोर्ट से अगर आप यहाँ की कनेक्टिविटी देखेंगे तो वो बहुत ही कम रहेगी। विद इन अ स्पैन ऑफ अ आर आप यहाँ से जो है वो पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट तक। एंड अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की, बोथ कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो मार्केट में देखा जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पूरा एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है और 60-70% ऑलरेडी डेवलप हो गया है, तो एक अच्छा स्पेकुलेशन लगाया जा सकता है। सो 3-4 साल के अंदर अंदर जो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिटर्न मिलेगा, दैट कैन बी मोर देन 30-40%। सो ये थी पूरी वीडियो गाइस, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आप इस एरिया में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो वी पीपल डील इन नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन, सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, जिससे आपको नॉलेज गेन हो, आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा इजी रहे, आपको अच्छे से कोई लोकेलिटी समझ में आए। हमारा बाकी चैनल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपको उस पर वीडियोज़ मिलती हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं और साथ साथ लोकेलिटीज़ के बारे में, सेक्टर्स के बारे में भी बताते हैं। So thanks for your time guys, signing off, this was your host Saurav, thank you.